تمہارا فرق بتا رہا ہے، سدھرے ابھی تک نہیں۔
देती है, कर्बला खतरा सिखाती है, कर्बला तुम्हें मुकम्मल इंसान बनाती है। मैं क्या कह रहा हूं सर, तो कर्बला जाना कमाल नहीं है, कर्बला से कर्बलाई बन के लौटना कमाल है। कर्बला इनकी सारी का पैगाम देती है। आज हमारे अंदर मेरी मां के दाई मैं मेरी मजलिस मेरी अंजुमन ये अजीब गरीब सारे वायरस हमारी आजादारी में आके जा रही है, जो मैं आ रही है तारीख की जुमला सरजमीन जान सर में नवे दाती अर्ज खिदमत करने जा रहे की मौजूदगी में हुजूर वाला याद रखिएगा। इससे तो ये नहीं, एक नया वायरस और आया। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं आईएएस अफसर, मैं अमीर हुजूर वाला, ये जो आज अमीरियत का भूत सवाल है, अगर मैं जिंदा रहूं तो नसीहत समझना, मर जाऊं तो मेरे हमसन और कमसन इसको वसीयत समझिएगा। याद रखिएगा, अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, अमीर वो है जिसके पास मारफते अमीर अल-मोमिनीन है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो अमीर है जिसके पास मारफते अमीर अल-मोमिनीन है, वो है अमीर। लेकिन आज वहां के समय मेरी मजलिस मेरी अंजुमन मेरी मां मारगा हुजूर वाला याद रखिएगा, हम सब आजादारी के गुलाम है, हम सब आजादारी के नौकर है, और नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए। आप कहां से मालिक बन गए? ये आजादारी आपकी कहां से हो गई? ये मजलिसें आपकी कहां से हो गई? नहीं, असल में होना क्या चाहिए था? हुसैन की मजलिस, हुसैन का जाकिर, हुसैन की अंजुमन, हुसैन का मातमी। आज कौम अंजुमनबाजी में बर्बाद हो रही है, वो इसलिए कि सरकार आज हमारी यूथ को पता ही नहीं कि मकसद अंजुमन था क्या। और इकराम ने अंजुमन को क्यों रखा? और मकसद अंजुमन को रखने का मकसद भीड़ इकट्ठा करके तमाशा करना नहीं था, और इकराम का अंजुमन रखने का बस एक मकसद था। वो मकसद से तो बहुत सुनी है, समंदरों को सुनते हैं बेचान तक, बड़े बड़े खुतबा आते हैं आएंगे और लगाते रहेंगे और आपकी नस्लों में आते रहे। आज नवे दाबी को सुनो, काश के जिस दिल से मैं पढ़ने के मूड में आया हूं उस दिल से मजलिस को सुन लूंगे तो साल के तौर पर क्या है आजादारी। मैंने कहा हुसैन है चला, रोशनी का नाम जैनब को कैसे जैनब ने, अगर लफ्जों की कदर करोगे तो मजलिस होगी। जैनब ने पहली मजलिस शाम में कर शाम को सुबह बनाया। मैं कहां से लफ्ज रहा हूं, मैं कहां से लफ्ज रहा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह, शाम में कर शाम को सुबह बनाया। जैनब ने पहली एक मजलिस करी है रात पर, जैनब ने जहां भाई ने शर्तें मनवाई थी मुआविया से, वही बहन शर्त मनवा रही है। शर्त मनवाने वाले हारते नहीं हैं। मैं कहां से लौट रहा हूं, मैं कहां से लौट रहा हूं। दिल तो यह है कि तुम्हारे दिलों में उतर के पढ़ लो, लेकिन जिस दिल से मैं पढ़ रहा हूं काश की जहां सर का नौजवान उस दिल से मुझे सुन ले। जैनब ने पहली मजलिस करी खाक पर, शहजादी ये पहली मजलिस खाक पर क्यों कर रही हूं? आपके भाई का तो ये दावा है लक्ष्य तो फजार तो इराकन शामन शामन इराकन अशरकत इस्तेमाल, ये दावा है आपके भाई का। मैं चाहूं तो ईरान को शाम, शाम को ईरान कर दूं, आसमान को खैर के जमीन में मिला दूं। ऐसे भाई की बहन हो अगर हुक्म दो, अगर आप हुक्म दो तो ये बादल के टुकड़े फांसी आधा बन जाए। अगर आप हुक्म दे तो ये बादल के टुकड़े फांसी आधा बन जाए। आप हुक्म दे तो तख्ते बिल्किस चला है उसमें मजलिस हो जाएगी। ये पहली मजलिस खाक पे क्यों कर रही हो? यजीद का दरबार सामने है, कोई काली मंगा लीजिए। बड़े आहिस्ता से पढ़ो ना सरकार, अब जुबान बोले या ना बोले चेहरा तो बोलेगा। यजीद का दरबार है सामने, कोई काली मंगा लीजिए, काली की चाहिए उसमें मजलिस हो जाएगी। अजब शहजादी का नवे दाती होश में ना उन खरी को, याद रखो कि गजबी चीजों का इस्तेमाल आजादारी में नहीं होगा। चीजों का इस्तेमाल आजादारी में नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, जैनब ने पहली मजलिस करी खाक पर, शहजादी ये पहली मजलिस खाक पे क्यों कर रही हो?
تختے بھی کس منگا لیجیے، بادل کے ٹکڑے آ جائیں گے، فرش کا آدھا بن جائے گا، آپ محسوس نہیں کرو گے آپ کہاں بیٹھے ہو، یہ دیکھنے میں فرش ہے، حقیقت میں عرش ہے. آپ لفظ آیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنے میں فرش ہے. شہزادی نے پہلی مسجد کی خاک پر تاریخی جملہ سے خدمت کر رہا ہوں، شہزادی نے پہلی مسجد خاک میں کر کر قیامت تک کے آنے والے عزاداروں کو دم کیا ہے. یاد رکھو میں پہلی مسجد خاک میں کر کے تمہیں یہ پیغام دے رہی ہوں، خبردار غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑنا. خاموشی سے پڑھ کے چلا جاتا، اچھا نہیں لگا. جو نعرہ بنا ہی آج کے دن کے لیے نعرہ بھیا نے لگایا، لگتا ہے کہ حسین آدھے آدھا بولے، آدھوں نے یہاں سے آدھا اٹھایا، پیچھے والے آدھا کھا گئے. کیا مصیبت ہے آپ جو ہے سن لے، جو وہاں نہیں ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے.
बस मुझे लगना चाहिए आप मिलने की तरफ से आए। हत्या का आसन मुझे लग रही हुसैन ने। जब यजीद ने बनी तो मरवान से कहवाया कि हुसैन से को बैत करे, आए हुसैन जहरा के नाल में। अगर ये जुमला आज नहीं पढ़ा जाएगा तो कब पढ़ा जाएगा? जहरा के नाल में शजराए तैयबा के पाकीज़ा शजर को कलम बनाया। अरे आप लफ्जों का खून ना करें, खूने अबू तालिब को स्याही बनाया। कयामत तक के पैदा होने वाले शरीफों की जमीन पर हुसैन ने कुरान का यकीन मुझ जैसा तुझ जैसे की बयान हो गए, जैसा तुझ जैसे की बयान। अच्छा ये बताइए इमाम हुसैन ये भी तो कह सकते थे, मैं हुसैन इब्ने अली तुझ यजीद की बयत क्यों करूं? आपके खामोशियों को सलाम। कह सकते थे, कहा नहीं? कहा तो फिर क्या कहा? आप ही बता दें क्या कहा। नहीं मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, मुझ जैसा तू जैसे की बयत नहीं करेगा, यानी हुसैन ने बता दिया मुझ जैसे भी और है, इसके जैसे भी और है। अगर आप समझ के पीछे तक का मजमा समाधान होकर मेरे साथ नहीं आया तो एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ूंगा। सरकार कई अजीब को रजियत न कर दिया, सब परेशान थे, मिंबर गवाह है, जरिए मौला गवाह है, सब परेशान थे, मैं परेशान नहीं था। यजीद को रजियत न कह दिया गया तो कुछ लोगों ने कहा आप इस बात को बड़े छोटे में, इतनी सी बात है। अच्छा आप जानते जब किसी चीज की औकात को गिराना उसको नजरों से गिरा है, है। उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा सुनी हुई बात और बता दो। अच्छा वहां वाले जो मैदान में खड़े वो भी बात हाथ उठा के बता दे कि बात अंदर पहुंच गई। जब किसी सुनी हुई बात है, जब किसी लाइन को छोटा करना उसके बराबर एक बड़ी लाइन है, इतनी सी बात है। यदि तो अंदर लग गया कि हम घबराते क्यों हो, हर बेटे को हाथ आए अपने बाप की। इतनी सी बात आई, आप हंगामा करे पड़े थे। अच्छा दो जवाब होते हैं खाली एक नकदी, एक होता मुंह तोड़ जवाब, एक होता इनके साथी में ढला हुआ जवाब। ये था मुंह तोड़ जवाब। अब इनके साथी में ढला हुआ जवाब सुन लो। यजीद के बेटे ने जूती भी नहीं उतारा, जूती पहने पहने तक को ठोकर मारा। एक किताब के बाद एक जुमला दे रहा है किताब को, जूती पहने पहने तख्त को ठोकर मारा। ठोकर मार के कहा इस हुकूमत से मेरा क्या लेना देना, इस हुकूमत की आस्तीन पर हुसैन के खून के छींटे हैं। अरे जुमला आप आया कर रहे जा मुसलमान, मैं बड़े एतमाद से पढ़ रहा हूँ। यजीद के बेटे ने मैं दोहरा रहा हूँ ताकि नया जुमला रिलेट हो जाए, और जो लोग बहुत देर से इंतजार करते कि कोई अच्छी बात आए ये तब बोलेंगे। अब बोल दीजिएगा, देखिए ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, जो बड़े लोग होते हैं ज्यादा बात नहीं करते। नहजुल बलागा में सबसे छोटा कौन मौला का, मौला ने फरमाया बोलो ताकि पहचान ले जाओ। और आसान कर दूं, इनके पास व्हाट्सएप उन जुमले को नोट कर ले, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, मैं आप खुद दोबारा कमाऊ। लिहाजा जुमले बार बार सुनने को मेरे रिपोर्ट करिएगा। याद रखिए कि अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है। जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। अली 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 नगर नगर गली गली अली।
اللہ 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 جانے یہ زبان والے کب سمجھیں گے، یہ زبان والے کب سمجھیں گے۔ دیکھیے مولا کا نام شرما کے وہ لیتے ہیں، میں نے عرض کیا جن کے مولا نے کہیں شرمندہ کیا ہو، بے شک آپ کو ہر میدان میں سر اٹھا کے چلنا سکھایا ہے آپ کے مولا نے، تو میں اس کا جی حسن بھائی میں کہہ رہا امر کا ہو جاتا یا علی فخر نہیں ہے۔ یزید کے بیٹے نے چوتی بھی نہیں کاٹی، چوتی پہنے پہنے تک کو ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کے کہا اس حکومت سے میرا کیا لینا دینا، اس حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے چھینٹے ہیں بھیا، فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا، باہر ظاہر جو یزید کا جائر بیٹا ہے وہ تو یزید کو مجرم مان رہا ہے کہ ناجائز کسی جوان کے داعش آج نے 2016 کی لاش لی، اسٹارٹنگ میں 15 کی لاش لی،
एक सीरिया के जवान के सर को काटा, सिर्फ सर ने सीना भी चाटा, कलेजा निकाला, वीडियो वायरल किया, चबाने की अब्बा भाई कोशिश की, चबाया नहीं गया, कोशिश की। पहले तो वीडियो देखकर रोना आया, पर कुछ सोचकर मुस्कुराहट आई कि परवरदिगार तेरा शुक्रिया, कम से कम पता तो चल गया इनका शजरा मिलता कहां से है। पीछे वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं भाई, ये अलग से अंजुमन नहीं है, आप भी इन्हीं के साथ है सब। अच्छा, मरने मारने वाली बात तो एक अलग बात है, कभी सोचो हमें कब से मारना चाह रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, 1400 बरस ना, कब से मारा जा रहा है इस कौम को, हमें अबू सुफयान ने मारा, हमें मुआविया ने मारा, हमें यजीद ने मारा, शिमर ने मारा, खुली ने मारा, इब्ने ज़ियाद ने मारा, हज्जाज ने मारा, अब्दुल मलिक ने मारा, मरवान ने मारा, पूरे बनू उमय्या ने मारा, पूरे बनू अब्बास ने मारा, मंसूर ने मारा, हारून ने मारा, सद्दाम के बाद दाइश तक आ जाओ। मैं भी देखता हूँ सरकार कौन ऐसा बनता है जो घर के सोच के आया था कि आज मजलिस में बोलना ही नहीं है। दीवानगी की अगर आखिरी हद तक छूमा मैं शिया नहीं मानता, कब से मारा जा रहा है तो हुजूरे वाला अम्मी साहब, अब तक इस कौम को खत्म हो जाना चाहिए था। हारून ने कहा था पानी न मिले, मुसीर गाजिन के शिलों का अरुण मिले से निकाल रहे, हमारे जिस्मों से सुतून बनाए गए इतने प्रश्नों से मारा जा रहा है, तो अब तक इस कौम को खत्म हो जाना चाहिए था। जो जहां जिस मकाम पर है, जहां जहां तक मेरी आवाज का फैलाव है, ठहरो, सांस लो, करीब हो, सर उठाओ, देखो मुझे, कब से मारा जा रहा है, अब तक इस कौम को खत्म हो जाना चाहिए था। ये इतना बड़ा मजबूर जहां से आ गया, काटा जाएगा, मारा जाएगा, ये कुदरत है ना, वो खत्म होगी, कम होगी, तब से मारा जा रहा है। यार सादात मेरे सामने तशरीफ फरमा है, और सादात एक बारा के दिल में चुम्मा ना पड़ जाए तो कहां पड़ जाएगा, जान से मैं पूछा करो, तब से मारा जा रहा है। ये मोहम्मद कह रहे अब तक तो उसको हमको खत्म हो जाना चाहिए था, ये इतना बड़ा मजमा कहां से आ गया। हकीकत में आपने गौर नहीं किया, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, हमने हलाल में बरकत रखी है। वाह 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 वाह, यार मैं पता नहीं वहां पहुंचा पा रहा, नहीं पहुंचा पा रहा। वाह अल्लाह कुरान में कह रहा है, सरों को उठाओ, अल्लाह कुरान में कह रहा है, हमने हलाल में बरकत रखी है, हराम में बरकत नहीं रखी। हमने हराम में बरकत नहीं, ये हमें साल भर मारते हैं, हुसैन अपनी सरी से कहते हैं तुम साल भर मारो, तुम चोर के बताना तुमने मारे कितने, हम मरवाई में बताएंगे बचाए। वाह वाह, अच्छा हमारे अभी कुछ लोग ऐसे हैं
ये बात बात हमारे भी कुछ लोग ऐसे हैं, कभी कभी उनकी सारी ताकत देते, हम लोग तो थोड़े से हैं, हम लोग थोड़े से हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, हुसैन की माँ की दुआ वो भी थोड़ी हुई है। हम थोड़े से कहाँ हैं, दुनिया यही तो परेशान है, जमीन थोड़ी सी है, आप थोड़े कहाँ से आ गए हैं? वाह है, वाह। हम थोड़े से कहाँ हैं? ये जमीन को, इस रोशनी को पुस्तक कैसे दी? बढ़िया। कैसे दी? कहाँ दी? आप क्या कर रहे थे ये सारे? बस सात आठ मिनट मेरे पास, खत्म हो गए। कुछ गुजारिश कर रही थी हमारे से पढ़ा लिया, वो बहुत बच गई, फिर कभी जिंदगी नहीं पढ़ने का मतलब होगा। आपका सोचता है कि आप खुद आ गए मजलिस में, ना बाबा कोई औरत है जो लेकर आई है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन से न बताती फर्श आदा क्या है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। अच्छा मुझे कलबर शाह साहब का पता याद आ रहा, कौन सा अभी आपका ये जुलूस कहाँ जा रहा है? ताबूत लेके जाओगे? अच्छा नतीजा उनका होगा, जुमले मेरे होंगे, मुझे अभी साथ में चाहिए, आगे कई मसाइल है, सब जाएंगे करवाला। अच्छा ये चांसक वाले ऐसा करते हैं, ये ताबूत तो जनाजे की शबी है, जनाजा तो कब्रिस्तान जाता है। अभी 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 मसाइल नहीं पढ़ रहा हूँ, आप जा रहे हैं करवाला। अच्छा चांसक में ऐसा है, पूरे साथ आप बारे में पता लगाओ कहाँ जा रहे हो। अच्छा ये पूरे मुजफ्फरनगर में ऐसा है, लखनऊ वालों से पूछो कि ताबूत लेकर कहां जा रहे हो, कहेंगे ताल का टोरा करबला। जौनपुर वालों से पूछो, झांसी वालों से पूछो, किसी से पूछो कहां जा रहे हो। अच्छा पूरे यूपी में ऐसा है, दिल्ली वालों से पूछो कहां जा रहे हो करबला, झारखंड वालों से पूछो कहां जा रहे हो, एमपी वालों से पूछो, महाराष्ट्र वालों से पूछो, कर्नाटक दिस्ट्रिक्ट देखो करबला। अच्छा पूरे इंडिया में ऐसा है, ये लोग करबला जाते हैं, पाकिस्तान वालों से पूछो कहां जा रहे हो करबला, अफ्रीका के जंगलों में पूछो। अभी आवाज होगी मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। आप क्या सोच रहे हो मैं आपको स्टेट्स और कंट्रीज के नाम सुना रहा हूं? ना बाबा, मैं तुम्हें हुसैन की हुकूमत बता रहा हूं, जिसको देखो कहां जा रहे हो करबला। भैया मामला क्या है, ताबूत तो जनाजे की छवि है, जनाजा जाता है कब्रिस्तान, आप ले जा रहे हो करबला, आप समझे नहीं जो कोई के मरते है वो कब्रिस्तान जाते हैं, जो मर के जिंदा रहते हैं। मैं
देखिए जैनब अली की तरह बोली ये मतलब नहीं कि अली की तरह बोली। आप खुश होती है अगर कोई औरत मर्द की आवाज में बोले कि अच्छा लगेगा, कोई मर्द औरत की आवाज में बोले अच्छा लगेगा नहीं। यहाँ पर अली के लहजे से मुराद अली की आवाज नहीं बल्कि वो फसाहत, वो बदागत, वो लफ्जों का इस्तेमाल, वो मिसालों का इस्तेमाल, वो लफ्जों का इस्तेमाल। यहाँ पर ये मुराद है। सैनब ऐसे बोली कि एक अंदाज साहबी चीख के कहता है कयामत आ गई, ऐसा लग रहा है अली बोल रहा है। अपने भरे दरबार में दरबारियों के सामने मेरे भाई का धर्म काम उठ कर आता है तो सुन, मैं ज़ैनब बिन्ते अली ये मकसद रोजे अरबईन गैर मज़ाहिब के लिए। शहजादी ने कहा मैं ज़ैनब बिन्ते अली तेरे घर से लेकर कयामत तक ऐसा मीडिया फर्श अदा की सूरत में छोड़ के जाऊंगी, ऐसा मीडिया फर्श अदा की सूरत में छोड़ के जाऊंगी अगर मैंने भी कयामत तक उसमें मोहब्बत करने वालों को आतंकवादी ना कहा। दुनिया पूरी प्लान काम कर रही है, किसी भी तरह हो शियों में आतंकवादी साबित करो, ये मजलिसों की देन है। जान सरकारों याद रखिएगा, जिन घरों में ज़ैनब का कायदा पढ़ाया जाता है उनकी औलाद कायदा नहीं होती। क्या बोली, मैं पक्की पाबंदी करता हूं एक मिनट बचा सवा बना आखिरी तब तक सर को उठाया मुझे क्या बोली अली की शेर से, ओ यजीद तू क्या लगता मेरे भाई हुसैन है, मेरे गाजी ने 9 मुहर्रम को खत्म बेचने के बाद तलवार छुपा कर किया। अब्बास भाई बस एक बड़ा वास्तव रोके मुझे फजाइल पढ़ना आखिरी मिनट मुझे देखो। शहजादी ने कहा ओ यजीद तू क्या लगता मेरे भाई से, मेरे भाई ने 9 मुहर्रम को तलवार छुपाकर तेरे 9 बाप की लश्कर को खा जाने वाली निगाह से देखा ही था, 24,000 ऐसे ही भाग गए। आप पता नहीं आप उन्हें महसूस करा नहीं कर रहे, मेरी कोट तक पर मरता, मेरा बेटा अली अकबर मैदान में आया तेरे 16,000 भागे, मेरा कासिम मैदान में आया तेरे 8,000 भागे, मेरे आला मोहम्मद मैदान में आया तेरे 4,000 भागे। ओ यजीद मेरा तुझसे यही सवाल है, मुझे जवाब दे, लाखों में से हजारों भागे, इन बात करने से बता कोई ये भी हुसैन को छोड़ के नहीं भागा, नहीं भागा। हुसैन कह रहे जैसे असहाब मुझे मिले ऐसे असहाब किसी को ना बाबा ना नाना अम्मा ना। आप क्या समझेंगे ज़ैनब क्या कह रहे हैं। ज़ियारत का मैंने एक फिक्रा पड़ा था, एक फिक्रा मैंने कहा जान सक वो बस्ती है जो समंदरों को सुनती है, बड़े बड़े खुतबा इस्लाम कसने आगे पढ़ के चले गए। बहुत से खुतबा को आपने सुना है सुनते हैं लेकिन अजमत बीबी ज़ैनब ने फिक्रा करने जा रहा और इस फिक्र को आप सबके मरहूम के लिए साल कर रहा हूं। अगर आप इतनी कोई फिक्र सुने सब अपने अपने मरहूम के चेहरे सामने रखा उनको ही साल कर दिया। मैं इससे बड़ा चुनता अजमत बीबी ज़ैनब में नहीं पढ़ सकता, मैं बताऊंगा ना क्या है। अल्लाह ने उस वक्त तक ज़ैनब को पैदा ही नहीं किया जब तक की गोद में खिलाने वाले पंजतन मुकम्मल नहीं हो गए। ज़ैनब वो है जिसे किसी गैर मासूम ने गोद में नहीं लिया। मैं बताऊं ज़ैनब क्या है। अब्बास जैसा
जिसके सामने नजरें बिछा के बात करे वो है जरा। जिब्राइल जिसका झूला झूला है वो है हुसैन, हुसैन जिसका झूला झूला है जो सबकी शहादत कबूल करवाए वो हुसैन, जो हुसैन की शहादत पर आकर कहे अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान वो है ज़ैनब। मैंने ज़ियारत में बीवी ज़ैनब ने फिक्रा पढ़ा अस्सलामु अलैकी या हज़रतुल हुसैन, ऐ हुसैन की बराबरी करने वाली तुझ पे हमारा सलाम। आप में से कुछ लोग समझे, मैं तीन दिन तक नहीं समझ पाया हुसैन की बराबरी करने वाले आदम से लेकर ईसा तक कोई हुसैन की बराबरी नहीं कर पाया ये कौन है। लेकिन हां अल्लामा रशीद तुरानी अल्लामा मकामों का ही फिक्रा किसी खतीब के जरिए से मेरे कानों से गुजरा। अल्लामा रशीद तुरानी साहब के तक बात करते थे कि करबला नाम है हुसैन ज़ैनब का, तर्जुमा हो गया साहब का, करबला नाम है हुसैन और ज़ैनब का। जब पूछा किसी ने वो कैसे कहा बस इतना समझ लो करबला में भाई लाशें लाता रहा बहन मातम करती रही। आज तुम भी मातम करने के लिए आए हो, आज तुम भी पुरसा देने के लिए आए हो। माफ करिए का कमजोर दिल बैठे मेरे सामने, आज जहरा के घर में 40वां नहीं है, आज जहरा के घर में 40वां नहीं है, आज जहरा के घर में 40वें हैं। एक 40वां नहीं है, 72 40वें है। हमारे घर से कोई अपना एक छोड़ के चला जाए हमारा सोना दुश्वार, हमारा खाना दुश्वार, हमारा पीना दुश्वार, लेकिन ज़हरा के घर से एक दिन में 72 जनाजे। आज 40वां है तुम्हारा कलेजा ना फटे तुम, मैं बताओ किस किसका 40वां है। आज ज़हरा के घर में 7 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 9 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 13 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 18 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 24 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 28 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 35 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 40 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 80 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 90 बरस का 40वां है, आज ज़हरा के घर में 57 बरस का 40वां है। ऐ मेरी मौत की बहनों मुझे माफ करना, आज ज़हरा के घर में 6 महीने के 25 का 40वां जदा करना, जदा करना। आया नहीं आवाज़ें बुलंद करो, आवाज़ें बुलंद करो, आया नहीं, आया नहीं। आज आज दिन रोने का है, आज दिन गुस्से का है, जो अगले बार जिंदा रहेगा इस मजलिस में आएगा। आया नहीं, आया नहीं, सीने पे हाथ मार दिया। माफ करिए सरकार, ये जो मेरे नौजवान जूतियों के पास खड़े हैं, चप्पलों के पास खड़े हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। रिवायत मिलती है ये होता है इमाम वहीं पर है। माफ करिए ये पीछे मानो, आप नहीं हो रहे, आप नहीं हो रहे, जो नहीं होते ना, जो नहीं होते। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, अगर गैरतदार हो कलेजे के हाथ रखो, कोई 24 साल का है, कोई 28 साल का है, मुझे इंसाफ से बताओ, अगर
चालीसवां होता है ना, उसे बताया नहीं जाता रोया कैसे जाता है। अपनों के अपने लोग नहीं होते, और जो नहीं हो रहा है ना, जो नहीं हो रहा है, अगर उनको सही नजर आ रही हो तो वहां से माफी मांगे कि हमसे ऐसा क्या हुआ हो गया कि हम रोजे भाई ना बताया। Come on!
मेरे सामने हुसैन ने हसना के खून को मल के ये कहा था अपने चेहरे पर, परवरदिगार गवाह है ना, इसी हाल में हुसैन आएगा। सारे मसाइल छोड़े, सारे मसाइल छोड़े, आखिरी फिक्र। मुख्तार ने कहा, अमीर तू करबला का वो सितम बता जिसको देखकर तू खुद घबरा गया। कहा मुख्तार, ना मेरे अंदर बयान करने की ताकत है। मैंने कहा बहादुर की शहादत देखकर, ये शहादत देखकर, बहादुर का 40 लाइन का, शाम गरीबा का ये 40 लाइन का, वो तेरा ना इस शहादत पे बहादुर कुर्बान हो गए, मुझे नहीं पता कैसे मातम करेंगे। लेकिन अगरचे अब्बास के सबके में हाथ मिले हैं ना, हाथ बनता है सीने पे हाथ होकर एक मतलब हाय हलू कह लो, कम से कम हाय तो कर सकते हो, हाय तो कर सकते हो। जब शिमर हुसैन का जिदा पार चुका ना, आखिर फिक्रे तारूत भी आएगा, आलम भी आएगा, सुलझना भी आएगा, लेकिन जल्दी नहीं करना, जब मैं कहूं तब ले आना, न खुद क्या करना। जब हुसैन को जिदा पार चुका, मैं पढ़ लू, मैं कुछ कर रहा हूं, थामे का नहीं लगता मैं पिछले साथ कहता शम फौजों को वापस न करो, खयाम हुसैन पर चढ़ाई कर दो। ए मुख्तार, मैंने क्या देखा, जैसे ही चढ़ाई न जाने न कितने छोटे छोटे बच्चे घोड़ों की जान हो गए, खत्म हो गए मसाइल, जिन्हें मिलना मरना सब कुछ मान लो, हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया। मुख्तार, मैं नहर फरात के किनारे टहल रहा था, रुको आवाज रुको, जरा हौसला दे, हौसला दे, थोड़ा सा मुझे पढ़ने दे, मुझे पढ़ने दे, मुझे पढ़ने दे, मैं भी मुझे भी मालूम हो रहा है, मुझे भी मेरा भी दिलाल हो रहेगा, शहादत के जुमले मुकम्मल हो जाए तो मीर होना मैं भी रोऊंगा। मुख्तार, जब खैमे लुट गए, मैं नहरे फरात के किनारे टहल रहा था, करबला की सबसे बड़ी शहादत का 40वां पढ़ रहा हूं, मैं नहरे फरात के किनारे टहल रहा था, मैंने क्या देखा, एक 4 साल का बच्चा छोटे छोटे कदमों से दौड़ा चला रहा था। मुख्तार ने जमीन पर लेट गया, वो बच्चा मुझे देख ना पाए, जब उस बच्चे ने मुझे देख लिया, वो बच्चा आगे बढ़ के कहता है, ए जालिम खड़ा हो जा, मैंने तुझे देख लिया, ए मुख्तार मैं खड़ा हो गया। बच्चे ने छोटे छोटे हाथों को जोड़ के कहा, जालिम अगर कोई सवाल करूं तमाचे तो नहीं मारेगा। सोच रहा था बच्चा कहेगा तमाचे मारे गए, तांतियाने मारे गए, ऐ मुख्तार
یہ کہے گا کھانا نہیں ملا، بچہ یہ کہے گا پانی نہیں ملا، بچہ یہ کہے گا تماشے مارے گئے۔ مختار میں نے کیا دیکھا، وہ بچہ ایک بے بازو والی لاش پہ آیا۔ میں میرے گلے جی میں ڈاکا نہیں، میرے گلے جی میں ڈاکا نہیں، میں نے دیکھا وہ بچہ ایک بے بازو والی لاش پہ آیا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جاؤ۔